न्यूज में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से आ रही है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत न मिलने पर पूर्व जज ने आपत्ति जताई है। दरअसल आपको ये बता दें कि शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मनीष सिसोदिया पर 338 करोड़ रुपए के लेन देन का बड़ा आरोप है। यहाँ पर ये आरोप लगाते हुए फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 3 महीने की सजा और सुना दी, जिसमें ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में 3 महीने के लिए और बंद रहेंगे। इसी बीच यहाँ पर आपको ये बता दे कि मनीष सिसोदिया को लेकर अब पूर्व जज ने आपत्ति जताई है और इस फैसले को वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकुर ने अदालतों के जमानत न देने के फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल ना दिए जाने के कारण जस्टिस लोकुर ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधूरी चार्जशीट दाखिल करने और सिर्फ आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने जैसी जांच एजेंसियों की मंशा पर गौर करने की न्यायपालिका की अनिच्छा को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आपको बता दें कि आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत न देने से इनकार करने के बारे में एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा, आमतौर पर ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई। आजकल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वह कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में होगा। पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच शुरू होती है, एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है और उसके बाद एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाली बात है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार नहीं होती हैं। अब उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को गलत बताया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अदालतों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं है, कुछ राजनेताओं के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी हैं। सभी मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ सच्चाई हो सकती है। इन सब का परेशान करने वाला पहलू यह है कि जांच शुरू होने से और सबूत मिलने पर ही आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि सबूत नहीं है, उसके बावजूद ये सारी चीजें देखी गई हैं।